मानो महर्गमदमानो वर्गमानो चंद्रमदमानो किरणमानो वधी विदर्मोदमानो अभ्यासनो हृदिगामानो सोपे दहिमानो इकमानो गुरुवान दुरिगामानो मिलनमानो देवेकुंताजिन्दावामहि सारं द्वावामहि नमो हिरण्यमावहि सीनानि निर्जातवदयि नमो वृक्षेभ्यो हरिकेतेभ्यापसूनां बलये नमो नमोऽस्मिन्नदिग्निर्मिदिनां बलये नमो हरिकेतये। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त योगेश, और इस बार मैं आप लोगों को एक ऐसे मंदिर में लेकर आया हूँ जो कि अगर बताएं तो उत्तराखंड में विराजमान है। वैसे तो उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो ये देवभूमि है, भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है, शिव की धरती कहा जाता है इसको। और मैं आज आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आया हूँ जो कि शिव के एक गण का मंदिर है, या कहें शिव के जटाओं से पैदा हुए एक भगवान का मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जिसकी जो पूछ है वो पूरे के पूरे उत्तराखंड में है, और दूर दराज के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। उस मंदिर में मैं आपको लेकर आया हूँ। मंदिर के बारे में बताऊँगा, क्या मंदिर की विशेषता है ये बताऊँगा, किस तरह से मंदिर जो है यहाँ पर विराजित हुआ, या कहें कि किस तरह से यहाँ पर जो मंदिर जो है वो बनाया गया, ये सब कुछ जो है मैं बताऊँगा आपको। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपका दोस्त योगेश। और जो सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहता हूँ और हमेशा कहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोग के बीच में लेकर आता हूं। वीरभद्र जी का ये मंदिर ऋषिकेश में स्थित है। जब हम बात करते हैं ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश के IDPL एक क्षेत्र है, खासतौर पर जो है इसको विस्थापित नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ये मंदिर स्थापित है। आप अगर ऋषिकेश आएँ तो ऋषिकेश से लगभग अगर बताएं तो 4 से 5 किलोमीटर दूर जो मेन ऋषिकेश है, वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर जो है ये मंदिर आपको मिलेगा। आप ऋषिकेश पहुंचकर ऑटो करके भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, सीधे यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जब हम इस मंदिर की बात करते हैं तो ये वीरभद्र नगर में जो ये स्थित है, या कहें श्यामपुर जो जगह है वहाँ पर ये स्थित है। ये 1300 साल पुराना मंदिर है। जब पौराणिक मान्यताओं की हम बात करते हैं, उनके अनुसार जो हम बात करते हैं, तो वीरभद्र जो मंदिर है वो पौराणिक उसका एक महत्व है। मान्यता यह है कि इस स्थान पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। जब सती को पता चला था कि उसके पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और उस दौरान जो है भगवान शिव शंकर को जो है उस यज्ञ में नहीं बुलाया गया है, तब जाकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो बिना निमंत्रण के भी यज्ञ में जाएंगी, और वहाँ पर वो गई। जबकि शिव भगवान ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकते हैं। जब माता सती जो है वहाँ पर पहुँची तो देखा उन्होंने कि उनके पिता जो हैं, जो कि दक्ष प्रजापति थे, वो जो हैं भगवान शंकर का सम्मान तो नहीं करते थे, पहले से ही उनका सम्मान नहीं करते थे, तो उनको कोई मतलब नहीं था कि भगवान शंकर यहाँ पर क्यों नहीं आई। सती ने इसका कारण पिता से पूछा तो उन्होंने भगवान शंकर के लिए अपमान सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। ये भी जो है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है वो लिखा हुआ है, कहा गया कि उन्होंने जो है उनके लिए काफ़ी अपमान किया, उनको कहा कि नहीं आए तो नहीं आए। इस जो है इस बात को सुनकर सती जी बिल्कुल भी जो है अपने आप को रोक नहीं पाई, वो काफ़ी दुखी हो गई, और जो हवन कुंड था उसी हवन कुंड में जो है उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, आत्मदाह कर दिया। और इससे जो है इसके बाद की कहानी जो है वीरभद्र जी की वो शुरू होती है। ये बात जब भगवान शिव को पता चली तो भगवान शिव बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और दुखी के साथ ही वो बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हो गए। क्रोध के कारण उन्होंने सबसे पहले जो है बात करते हैं, जब वो इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए
तो उनके क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। क्रोध जब उनका क्रोध बढ़ता गया तो क्रोध के कारण ही उनकी जटाओं से वीरभद्र का जो है वो जन्म हुआ। उनका एक गण था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रोधित गण था और उनका जो है वो जन्म हुआ। भगवान की आज्ञा लेकर वीरभद्र ने यज्ञस्थल के तरफ जो है वो निकल पड़े। यज्ञस्थल की तरफ जब वो निकले तो उन्होंने एक तरफ से मार काट करते हुए वो जो है दक्ष प्रजापति के पास पहुँच गए और दक्ष प्रजापति का भी सर उन्होंने धड़ से अलग कर दिया। और जब ये काम पूरा हुआ तो वो जाकर भगवान शिव के शरीर में समा गए। ये पूरी तरह जो ये कहानी है, कहानी नहीं कहेंगे, जो ये एक तरह से सच्चाई है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है ये सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। और तब जाकर जो है वीरभद्र का जन्म हुआ था। ये पूरा का पूरी जो है ये, और उसी समय इस स्थान का नाम वीरभद्र पड़ा। वीरभद्र स्थान है ये जो श्यामपुर में स्थित है, जो यहाँ पर जो है इस जगह में स्थित है। और तभी से ये मंदिर है, लगभग जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है कि ये मंदिर 1300 साल पुराना मंदिर है, उसके बाद इस मंदिर को बनाया गया। यहाँ पर महाशिवरात्रि के पर्व में बहुत बड़ा एक मेला भी लगता है और भगवान शिव के अवतार हैं वीरभद्र, तो उनकी पूजा यहाँ पर होती है, भगवान शिव की यहाँ पर पूजा की जाती है। पूरे मंदिर को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर रखा है, पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख करता है, क्योंकि 1300 साल पुराना मंदिर है तो उस तरह से पुरातत्व विभाग इस मंदिर की देखरेख भी करता है। वैसे बताया जाता है कि इस मंदिर से ठीक 50 मीटर दूर में एक शिवलिंग भी मिला था, उसे भी जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा संरक्षित कर दिया गया है और उसको भी उसकी भी जो है पता किया जा रहा है। वैसे अगर हम बात करें तो 1973 में और 75 के बीच में यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई की थी, जिसके बाद यहाँ पर अवशेष मिले थे। खुदाई के दौरान मुख्य रूप से शिवलिंग, यज्ञशाला जो है यहाँ पर मिली थी। वैसे वीरभद्र जी का एक मंदिर आंध्र प्रदेश में भी, जो कि जिस जगह में लिपाची जगह उस जगह का नाम कहा जाता है, वहाँ पर भी एक मंदिर स्थित है और कहते हैं कि उस मंदिर का भी अभी तक कोई वैज्ञानिक भी जो है वो सही से उसका शोध नहीं कर पाया। और उसी प्रकार से ये मंदिर भी है, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ऋषिकेश का। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और दूर दराज से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, खासतौर पर महाशिवरात्रि के दौरान तो यहाँ पर बहुत बड़ी बहुत ही लंबी भीड़ रहती है। हर कोई यहाँ पर पहुँच कर भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहता है।